और ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 147 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। और इधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बारिश के बाद लैंडस्लाइड का डरावना वीडियो सामने आया है। और रानीखेत में नदी पार करते समय गाय पानी में फंस गई, लोगों ने बचाया। देश और दुनिया की बाढ़ से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं ग्लोबल प्रलय टॉप 9। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ का पानी बढ़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सिडनी सहित दूसरे क्षेत्रों में ये कम हुआ है। शहरी इलाके पानी से सुरक्षित हैं, लेकिन आसपास के ग्रामीण और उपनगरीय इलाके बाढ़ के पानी से जलमग्न हैं। राज्य के हंटर क्षेत्र में पानी बढ़ रहा है। हाल ही में आई बाढ़ से करीब 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान में बारिश से संबंधित घटनाओं से मरने वालों की संख्या बढ़कर 150 के करीब पहुंच गई। देश में मानसूनी बारिश अब भी जारी है। पाकिस्तान के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मरने वालों में अब तक 88 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इतना ही नहीं, मानसूनी बारिश ने देश भर में घरों, सड़कों, पुलों और बिजली स्टेशनों को भी तबाह कर दिया। चीन में बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वक्त रहते आपदा में लोगों की जान बचाई जा सके। चीन के कई शहरों में अब भी बाढ़ के चलते हालात खराब हैं। शंघाई दमकल विभाग बाढ़ और आंधी के मौसम में बचाव प्रतिक्रिया में सुधार के लिए 2 हफ्तों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वर्जीनिया में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है और करीब 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन किसी की मौत या घायल होने की पुष्टि नहीं कर रहा। तेज हवाओं की चपेट में आने से कई शहरों की बिजली लाइन टूट गई है। प्रशासन लगातार पीड़ितों का रेस्क्यू करने में जुटा है। इंडोनेशिया में तटीय इलाकों में ताकतवर हाई टाइड से हड़कंप है। समुद्र के किनारे बने कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग बीच पर आराम से टहल रहे हैं, लेकिन समंदर में आई हाई टाइड की लहरों से वो पीछे भागते नजर आते हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र से दूर रहने का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया है। मुनस्यारी में अचानक पहाड़ और पेड़ टूटकर सड़क पर आ गिरे। हालांकि इस भीषण हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन पत्थर और मलबे की वजह से रास्ता काफी देर तक बंद रहा। उत्तराखंड में ऐसे हालात रोज की बात हो गई है। बद्रीनाथ के रास्ते में आए दिन पहाड़ का मलबा सड़कों पर बिखर जाता है। उत्तराखंड के रानीखेत के चौना गांव में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से नदी और तालाब उफान पर हैं। द्वारसो काकड़ी घाट मोटर मार्ग में चौना गांव के पास नदी पार करते समय कई गायें बीच में ही फंस गईं, जिन्हें ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से पार लगाया, जिसके बाद गायों की जान बच सकी। नदी नालों में बढ़े हुए जलस्तर की वजह से ऐसी परेशानी सामने आई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हालात से निपटने के लिए रेस्क्यू में लगाए गए जवान अलर्ट मोड पर हैं। वहीं सेना के जवानों ने पुंछ के गुलपुर इलाके में भारी बारिश से टूटे घर को फिर से बनाने में एक परिवार की मदद की। घर के मालिक के मुताबिक, हमारा पूरा घर खतरे में था, तब सेना ने हमें टेंट दिए और मलबा भी हटाया। असम के गोलपारा जिले में एक मानव निर्मित तालाब में 6 हाथी फंस गए। जानकारी के मुताबिक पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाया गया था, जिसमें रास्ता भटककर हाथी आकर फंस गए। हादसे की जानकारी वन विभाग के कर्मचारियों को समय रहते लग गई। कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से रास्ता बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला।